शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक गांव मिले हैं तुम्हें, इसे भरेंगे इन गांव को रब। जब हमें सारा सच मालूम पड़ चुका है, कैसे नजरें मिलाएंगे हम तुमसे, तुम्हारे परिवार से, बाबा? जानते आपने ये सब जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन इस हादसे ने शिवांश से उसके पिता, उसका बचपन, उसकी खुशियां सब छीन ली, सब कुछ। कल पापा का श्राद्ध है, कहीं शिवांश ने गुस्से में कुछ कर दिया तो क्या तमाशा हो रहा है? आपको नहीं पता, हमारे देवर जी केशव आज उनका पिंडदान है। हमारे यहाँ ना बड़े पैमाने पे किया जाता है, पूरे तामझाम के साथ। बड़ी पुण्य आत्मा थे, बहुत ही अच्छे इंसान, कभी किसी का बुरा नहीं किया उन्होंने। आप लोग भी आइए, शामिल होइए, हमारे साथ खाना खाइए। वो कहते हैं ना कि श्राद्ध का बोझ जितने लोग खाते हैं, मरने वाले की आत्मा को उतनी ही शांति मिलती है। नाम मत लेना उसका हमारे सामने। हमारे रहते हुए उसकी आत्मा को न शांति मिलेगी न तृप्ति। भाई वाह, क्या बात है! आज हमारे आदरणीय परम पूजनीय ससुर जी का श्राद्ध है। ठाकुर साहब, हमने सुना है कि आप हर साल महादान के रूप में 5 नेत्रहीनों को उनकी आंखों के इलाज के लिए पैसे देते हैं। भाई वाह, क्या बात है! इतना बड़ा महादान और ऐसे सूखे सूखे सन्नाटे में। भाई इतना बड़ा नेक काम, इसका यशगान तो होना चाहिए, पूरे गोरखपुर को पता चलना चाहिए इस महादान के बारे में। अरे मेरे पत्रकारों भाइयों, आओ, शिवांश, क्या मिलेगा तुम्हें तमाशा करके? बड़के ठाकुर जी, अब आप देखते जाइए कि हम का का करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के जाने माने ठाकुर परिवार की हवेली में, जहां भानु प्रताप ठाकुर के छोटे भाई स्वर्गवासी केशव ठाकुर का श्राद्ध बड़े ही अनोखे अंदाज से मनाया जा रहा है। अरे पंडित जी, थोड़ा ठहरिए, इतनी जल्दी क्या है तर्पण करने की? अरे बीवी जी, आपका समय खत्म। केशव ठाकुर जी को उनका परिवार बहुत याद करता है। ओह
और ये है उनकी प्यारी सुपुत्री और हमारी प्यारी बीवी। इन्होंने अपने पिता को श्रद्धांजलि देने का एक अनोखा सा प्रयास किया। आइए आप सबको वो दिखाते हैं। और इनके चरित्र का दर्शन करते हैं। ये देखिए, छोटी बहनें पैर नहीं छुआ करती है। भाई वाह, क्या महान इंसान थे। अब जो आगे आप देखेंगे वो तो बहुत ही महान है। अरे पत्रकारों भाइयों, रिकॉर्ड रिकॉर्ड करो और देखिए कि एक बेटी अपने पिता के लिए किस हद तक जाती है। ए, केशव, केशव, केशव क्या था? मर्डर? गोली तो चलाए। तो क्या केशव ठाकुर खूनी था? अब हमने तो सुना था कि अनंत सिंह ने खुदकुशी की थी। हमारी बीवी शर्मी ने आज जो किया है वो तो बहुत कम लड़कियां कर पाती है। आज इन्होंने अपने ससुर के हत्यारों को उजागर किया है। उनका कहना है कि वो बेटी बाद में, एक इंसान पहले, और जो गलत है उसे गलत ही कहा जाएगा। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।